हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहरुख और मुझे हेयर फॉल 2015 से स्टार्ट हो गया था और धीरे 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 मेरे बाल गिरने लगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपके लिए एक बार फिर से हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं अपने एक सब्सक्राइबर के आपको हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी बताने वाला हूँ और सर्जरी वाले डे के बारे में बताने वाला हूँ। और उनके साथ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं खुद गया था और उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था भोपाल से, तो इसमें उनकी सर्जरी कंप्लीट बताने वाला हूँ फ़ोटो में और साथ में कुछ वीडियोस भी है वो आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अगर मेरे कोई से सब्सक्राइबर, कोई मेरे भाई अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं उनके मन में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, सर्जरी किस तरह से होती है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है सर्जरी वाले रोज़, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप कराने जा रहे हो तो आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली इस वीडियो से, तो ये सर्जरी वाला वीडियो ज़रूर देखना। तो चलो दोस्तों देखते हैं इनके हेयर ट्रांसप्लांट को। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके पहले की कंडीशन, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की इनकी किस तरह से कंडीशन थी। तो ये जो हेयर हम इनके देख रहे, तो सामने से जो हेयर लाइन वाला पोर्शन होता है, जो सामने का इतना एरिया होता है, इसमें तो कुछ भी हेयर बचे ही नहीं थे, ये एरिया लगभग पूरी तरह से खाली हो गया था। और ऊपर की बात करें मिडिल में, तो यहाँ पे कुछ कुछ हेयर बचे थे, 30% हेयर बचे थे, 30-40% हेयर बचे होंगे, पर 60% हेयर यहाँ के भी चले गए। इनकी कंडीशन देख सकते हैं कितना ज़्यादा बाल्डनेस इनको आ गया था, ऑलमोस्ट ऊपर का एरिया खाली हो चुका था। हम ये कह सकते हैं कि 50 से भी कम परसेंट हेयर इनके यहाँ पे बचे थे। और हेयर लाइन की बात करो तो वहाँ पे कुछ भी हेयर इनके नहीं थे। तो जब इनकी हेयर लाइन बनाई गई तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में किया गया, पर जो जनरली जो ग्राफ लगे वो दो पार्ट में, जो सामने की ओर जो एक मार्किंग की गई है वहाँ पे इनको बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी दी गई है, बहुत ही ज़्यादा पास पास ग्राफ लगाए गए, क्योंकि यहाँ पे इनके कुछ भी हेयर नहीं बचे थे। पीछे इनके हेयर बचे थे तो उसमें उस तरह से फिलिंग की गई है ना, ग्राफ जो बचे थे उनके बीच बीच में हेयर लगाए गए, उनमें फिलिंग की गई ताकि इनकी डेंसिटी को अच्छा किया जा सके, और सामने की ओर पूरी तरह से हेयर नहीं थे तो फुल डेंसिटी इनको यहाँ पे दी गई थी। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह हुआ था, तो थोड़ा सा आपको क्लिनिक का भी यहाँ पे बताऊँगा क्योंकि इनके साथ मैं खुद था। यहाँ पे आप देखो इनको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है सिर के पीछे की साइड, वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनके यहाँ पे से ग्राफ निकलना है, तो इनको किसी भी तरह का कोई दर्द महसूस ना हो। जब आपको ये एनेस्थीसिया लग जाता है तो उसके बाद में आपको किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होता, इसलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो ये इनको यहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं इनके ग्राफ किस तरह से निकाले गए थे, तो आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह से इनके ग्राफ निकाले गए थे, सिंगल सिंगल ग्राफ निकाला जाता है। यहाँ पे पन साइज जो ग्राफ निकालने के लिए यूज किया जाता है वो जो है पेशेंट के डोनर के हिसाब से यूज़ किया जाता है, मतलब उसके ग्राफ किस तरह से, किस क्वालिटी के, उनमें नंबर ऑफ हेयर कितने, उस तरह से पंच यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अब यहाँ पे इनकी स्लिट बनाई जा रही है ताकि यहाँ पे जो है ग्राफ लगाया जा सके, वो जगह क्रिएट की जा रही है यहाँ पे, और इसके बाद इसी में जो है ग्राफ लगाए गए, तो कुछ इस तरह से इनके ग्राफ इम्प्लांट किए गए थे। हम देख सकते हैं कितने अच्छे से इनके ग्राफ लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, और एक एक सिंगल सिंगल ग्राफ यहाँ पे लगाया जाता है, जिस तरह से स्लिट बनाई गई उसके अंदर जो है ग्राफ लगाया गया। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अब तक नहीं कर रखा है, और आप में से कोई नए चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ, और जो भी मुझसे हेल्प हो सके हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी आपके लिए ज़रूर करता हूँ, और मेरा नंबर भी वीडियो में मैं देता हूँ, यहाँ पर भी मैं नंबर दे देता हूँ। अगर आपको मुझसे किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन लगे, आप कॉल पर बात करना चाहते हैं, आप मुझसे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तो मेरा नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन लगे मुझसे तो आप ले सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इनका ट्रांसप्लांट कुछ इस तरह से हुआ था, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया। डेंसिटी हम यहाँ पे देखते हैं, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट दी गई, काफ़ी शानदार डेंसिटी, जो सामने की ओर जो है, जो सामने से एरिया दिखता है हेयरलाइन में, देखो कितनी अच्छी जो है डेंसिटी दी गई, और हेयरलाइन को थोड़ी जिगजैग पैटर्न में बनाई गई है, थोड़े ग्राफ आगे पीछे लगाए गए कि हेयरलाइन पूरी तरह से नेचुरल लगे। तो इनका कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट कुछ इस तरह से हुआ, देख सकते हैं हम इस वीडियो में भी, तो कितना अच्छा दिख रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ कितने अच्छे से लगाए गए, प्रॉपरली यहाँ पे लगाए गए ताकि जब इनका रिजल्ट आए तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आए, और काफ़ी शानदार इनकी हेयरलाइन यहाँ पे बनाई गई है। मैं आपके साथ जो इनके कंटिन्यू वीडियो शेयर करता रहूँगा, रिजल्ट का भी वीडियो शेयर करूँगा, और किस तरह इनका रिजल्ट आता है और 6 महीने बाद इनकी क्या कंडीशन होती है, किस तरह कंप्लीट रिजल्ट आता है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहरुख और मुझे हेयर फॉल 2015 से स्टार्ट हो गया था, और धीरे 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 मेरे बाल गिरने लगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की
मिनोक्सिडिल वगैरह टेबलेट्स वगैरह सब यूज़ की, डॉक्टर को दिखाया, बाकी मुझे कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आया। और एक टाइम ऐसा आ गया था जिससे मेरे बाल मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बाल गिर गए थे, हेयर लाइन बहुत पीछे चली गई थी मेरी। तो उसी से मुझे मैंने यूट्यूब पे अजय भाई का चैनल देखा यूट्यूब पे हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, और मैंने उनसे बात की, और कोइंसिडेंस वो भी इंदौर के निकले जहाँ मैं रहता हूँ, तो इसीलिए मैं अजय भाई के साथ यहाँ पर आया हूँ और आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। थैंक यू शाहरुख भाई। और एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था कि आज हम भोपाल में हैं, इनकी जो सर्जरी हुई है वो भोपाल में हुई है। सो सर्जरी इनकी कंप्लीट हो गई है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया किस तरह से रहा इनका हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह सब कुछ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। और किसी तरह की कोई आपको हेल्प लगे, आप क्लिनिक से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ भी, तो क्लिनिक का नंबर तो वीडियो पे आ ही गया है, और मुझसे किसी तरह की कोई हेल्प लगे तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में।